इतनी सुंदर और इतनी महंगी मार्केट में मिलने वाली लड्डू गोपाल की पोशाक आप भी घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई हुई पोशाक। इस तरह मार्केट में रंग बिरंगी दिखने वाली पोशाकें काफ़ी महंगी मिलती हैं और हम लेने की सोचते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। और ये मुकुट भी देखिए, मैंने घर पर ही बनाकर रेडी किया है और इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यह भी बनाना काफ़ी इजी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा ये मोटा वाला कैनवास। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह जो नॉर्मल पेपर पेस्टिंग हम ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। इसमें भी एक साइड शाइनिंग होती है जो प्रेस करने पर कपड़े पर चिपक जाती है, और जो मैं कैनवास ले रही हूँ इसमें भी एक साइड शाइनिंग होती है, यह भी प्रेस करने पर चिपक जाती है। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप जो नॉर्मल कैनवास रहता है जिसको हम सील कर अटैच करते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट कर लेंगे। यह मैं अपने 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो इसका जो हम घेरा कट करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर 9-9 इंच दोनों साइड से नाप लिया है और मैं इसका एक चौकट बॉक्स बनाकर तैयार कर लूँगी और इसको काट लूँगी। अगर आपके लड्डू गोपाल इससे बड़े हैं यानी 5 इंच के, तो आप इसको 1 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा लीजिए। अगर छोटे हैं तो आप इसमें 1 इंच कम कर लीजिए। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर मैं 1 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पर मैं कमर की गोलाई का नाप लूँगी। दोनों साइड से हमें 1 इंच में 2 पॉइंट कम लगाकर निशान लगा लेना इस तरह से, और फिर इसको राउंड शेप देकर इसकी हमें कमर रेडी कर लेनी है। अब लेंथ के लिए जो हमने 9 इंच का नाप लिया था उसका हाफ होता है 4.5 इंच। मैं दोनों साइड से 4.5 इंच इसमें मेजरमेंट कर लूँगी और बीच में भी इसको 4.5 इंच हमें नाप लेना है और इसका हमें राउंड शेप बनाकर रेडी कर लेना है, जैसे हम अम्ब्रेला घेर स्कर्ट वगैरह कट करते हैं बिल्कुल उसी टाइप से। यह बनाना काफ़ी इजी है दोस्तों। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप इसको आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं और इस जन्माष्टमी अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ से बनी ड्रेस बनाकर रेडी कीजिए और फिर देखिए आपको भी कितना अच्छा लगेगा कि मैंने अपने हाथ से बनाकर इनको पहना है। मैंने यह बीच में से घेरा भी कट कर लिया है और साइड से भी ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। अस्तर के लिए मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके एक कपड़ा कट कर लूँगी। ये मैंने व्हाइट कलर का ही लिया है और इसको इसके चारों तरफ सिल लूँगी। ये मैंने एक ही साइड लगाया है, अगर आप चाहें तो इसके दोनों साइड भी इस तरह अस्तर लगा सकते हैं। सिलने के बाद इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे और बीच में से इसको ओपन करना है तो कट लगा लेंगे सेंटर में, और जो एक्स्ट्रा गोल घेरा है उसको भी काट लेंगे। यह हमारा बेस बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने 13 इंच की यहाँ पर स्ट्रिप्स ली है नेट की, वाइट और ग्रीन कलर की, और इसकी लेंथ देखे तो जो हमने बेस बनाकर रेडी किया है उससे 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है ताकि हम फ्रिल बनाए तो कभी छोटी बड़ी हो तो इसको आसानी से कट कर सके। और इसको मेजर करेंगे हमें जो बीच का गोल शेप हमने कट किया था यहाँ से तो इस घेरे की चौड़ाई तक। सिंपल हम जो प्लेट्स बनाते हैं उसी तरह से हमें प्लेट्स बनाना है और इसको इस तरह से मशीन के अंदर टक कर देना है। इसी तरह से हम दूसरे कपड़े की भी प्लेट्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पर वाइट कपड़े की प्लेट्स बनाकर रेडी कर ली। अब मैं ग्रीन कपड़े की प्लेट्स बना रही हूँ। इस तरह से देखिए आप, एक के ऊपर एक प्लेट्स बनाते जाना है और इस तरह से चढ़ाते जाना है हमें, एकदम थोड़ी बड़ी 1-1 इंच की लेकिन प्लेट्स एक के ऊपर एक की चढ़ाना है, इस तरह से बनाना है और इनको सिलते जाना है। हमें यहाँ प्लेट्स के कपड़े को नहीं जोड़ना है, सिर्फ प्लेट्स अलग अलग से टुकड़ों में बनाकर इनको मशीन के पास ले जाकर रख कर इनको इस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे 13 इंच के वाइट और ग्रीन कलर के पीस कट कर रखे हैं। ये देखिए, मैंने वाइट को पहले सिल दिया था, अब इसके पास मैंने ग्रीन को सिल दिया। इस तरह एक वाइट एक ग्रीन इस तरह हम रेडी कर लेंगे। पहले
पहले हम अपनी चुन्नट में जितना घेरा है उसको नाप लेंगे, फिर जो हमने राउंड शेप कट किया है उसको नाप लेंगे, इस तरह से इसको रख देंगे और जो हमने कट लगाया था पहले वहाँ पर स्टिच करेंगे और फिर जो हमने बीच में राउंड कमर बनाई है उसमें इस तरह से स्टिच करके पूरे घेरे को यहाँ पर अटैच कर देंगे। गोल घुमाकर घेरा अटैच करने के बाद लास्ट में जो कपड़ा बचा है उसको भी इस तरह से हम नीचे उतार देना है, जो हमने कट लगाया था उसकी दूसरी साइड कुछ इस तरह से। आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं यह मेरा फिट आया है। अब हम जो दूसरी साइड हमने प्लेट से बनाई है उसको इस तरह से सेट करते जाएंगे और घेरे के कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। देखिए जैसे हमने वहाँ पर प्लेट बनाई थी उसी तरह ये प्लेटें हमारी बनकर आ रही है, बस हमें इनको थोड़ा सा सेट करना है हाथ से और इनके ऊपर सिलाई लगा देना है। प्लेट सेट करने के बाद हम एक हाथ से इस तरह से दबाकर प्लेट पकड़ेंगे और दूसरी साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा देना। आप यहाँ पर अच्छे से सेट कर लीजिए, इसमें भी हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा जो हमने अलग अलग कलर का कपड़ा लिया है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमने टुकड़े में कपड़ा लिया है, यहाँ पर छिप जाएगा और आप इस तरह से इनको जोड़ लीजिए। मैंने यहाँ पर दो कलर में कपड़े लिए हैं, आप चाहे तो आप इसको एक ही कलर में स्टिच कर सकते हैं, तब भी ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा क्योंकि ये फ्रिल जब बनकर आएगी तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से ख़रीदा हो, इसको घर पर नहीं बनाया हो। Lost in your eyes. Under your spell, oh, it's like we've always. चारों तरफ से मैंने सिलकर इसको रेडी कर लिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे और जो एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच कपड़ा लिया है कुछ टेढ़ा मेढ़ा से लग रहा है इसको हम कट कर देंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली, ये मैंने सीधी ही पट्टी ली है। इसको एक बार ऊपर से फोल्ड कर देंगे और फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें और आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पर उरे पट्टी लीजिए यानी तिरछा कपड़ा कट कीजिए, उससे यहाँ पर आपका नेफा अच्छे से तैयार होगा। इसमें हल्की सी हमें प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ उरे पट्टी लीजिए। दूसरी साइड से भी हम कट कर लेंगे और इसको सीधा करके इस तरह से ऊपर की साइड पलट देंगे। पलटने से पहले मैं यहाँ पर डोरी अटैच करूँगी ताकि वो इसके अंदर ही पिरो जाए। डोरी इस तरह से रखते जाएंगे और हमें सिलाई लगाना है और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि डोरी के ऊपर सिलाई ना आए और इसको पूरा राउंड शेप में सिल देना है। हर साइज में आप नेफा बनाते वक्त कपड़ा इतना ही लीजिएगा। देखिए हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है और अब हम मेरे पास ये गोटा पत्ती वाली लेस लगी है, अगर आपके पास टिश्यू लेस है तो वो ले लीजिए, अगर दूसरी और कोई लेस है तो वो ले लीजिए और इसके दोनों कॉर्नर की साइड फोल्ड करके आधी आधी दोनों साइड लगा कर सिल दीजिए। हमारा घेरा बनकर रेडी हो गया है, अब हम चोली बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ, 9 9 इंच ये चारों तरफ से आएगा। 9 इंच का घेरा लिया है तो 9 इंच की हम चोली लेंगे लंबाई में और उसका हाफ करके हम इसकी चौड़ाई मेजर कर लेंगे। ये चोली बनाने का एकदम इजी तरीका है। अब हम इसको 1 फोल्ड 2 फोल्ड और 3 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलने के बाद एक साइड में इसमें टिश्यू रिबिन वाली या गोटा पत्ती की आपके पास जो भी पतली लेस हो एक साइड लगा दीजिए और बीच सेंटर में से हम इसको कट कर लेंगे और इसको उल्टा करके इसके एक साइड करीब 1 इंच का मार्जिन मतलब 1 इंच की दूरी इतनी सिलाई लगा देंगे और फिर इसको खोलेंगे तो इस तरह से हमारी चोली रेडी हो जाएगी। और इसको बांधने के लिए हमें बीच में इस तरह से डोरी सिल देना है। ये देखिए ये हमारी चोली और घेरा रेडी कर लिए हैं। अब मेरे पास ये कुछ डायमंड लेस हैं, मैं इसके दो दो लाइन कट कर लूँगी, ये करीब 60 रुपये मीटर में आपको आराम से मिल जाएंगी। और मैं इसको चिपकाने के लिए फेब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फेब्रिक ग्लू आसानी से मिल जाएगा और ये सबके पास अधिकतर होता ही है। मैंने इस तरह से जहाँ पर भी हमारा जॉइंट है वहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप लगा दी है
और ये मेरे पास गोल्डन कलर की लेस है, ये भी आपको 60 रुपये पर मीटर में मिल जाएंगी। और मैं इसके अलग अलग फ्लावर कट करके फैब्रिक ग्लू से इसको भी चिपका लूँगी और ये हमारा सुंदर सा गोपाल जी का जो है पोशाक बनकर रेडी हो चुका है। कितनी आसानी से बनाया है। थैंक यू बब बाय फॉर वॉचिंग।